अफगानिस्तान 285 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल रिवर क्यों बना रहा है? जी हाँ गाइस, आर्टिफिशियल नदी। आप सभी को पता होगा गाइस कि अफगानिस्तान में तालाबीनों का शासन है। वैसे तो अफगानिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही पीछे है, लेकिन जनवरी 2023 में अफगानिस्तान से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो सबको हैरान कर देती है। इस न्यूज में अफगानिस्तान की सरकार ने बताया कि वो एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कैनल बनाने जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि तालाबीन सरकार ने किसी बाहरी कंट्री से मदद नहीं मांगी है। तो चलिए जानते हैं इस आर्टिफिशियल रिवर के बारे में, कहां और कैसे बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल गाइस, इस प्रोजेक्ट का नाम क्योस तेपा कैनल है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कैनल अफगानिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तालाबीन गवर्नमेंट ने इस कैनल का नाम क्योस तेपा कैनल रखा है, जो कि बल्क प्रोविंस के कालदार डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा और 285 किलोमीटर का सफर तय करके फरियाब प्रोविंस तक पहुंचेगा। इस कैनल रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी 650 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाटर का यूज 5500 किलोमीटर के एरिया में सिंचाई के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के 120 साइट पर 5500 वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें 3300 छोटे बड़े मशीनों का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान की 200 से ज्यादा लोकल कंपनी इस प्रोजेक्ट को ANDC यानी कि अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। तालाबीन सरकार का टारगेट है कि साल 2028 तक इसे तैयार कर लिया जाए। इसके लिए इन्होंने इसे तीन फेज में बांटा है। फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर के कैनल को तैयार किया जा रहा है, जो कि अमुदारिया रिवर से शुरू होगा और बुल्क प्रोविंस के दावलाताबाद डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फेज वन का काम पूरा कर लिया गया है, जिसकी कॉस्ट 94 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। सेकेंड फेज में ये कनाल दावलाताबाद से निकलकर फरियाब प्रोविंस के अंधखोए डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी। इसकी लेंथ 177 किलोमीटर बताई जा रही है। थर्ड फेज में इसे आगे ना बढ़ाकर यहीं से सब कैनल में डिवाइड किया जाएगा, जो अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर को वाटर सप्लाई करेगा। इस कैनल की चौड़ाई 500 फीट और गहराई 8.5 मीटर बताई जा रही है। गाइस, अफगानिस्तान तालाबीन को अपने इस्लामिक एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, जो हमेशा से दंगे फसाद करते थे, और यही कारण है कि अफगानिस्तान एशिया का सबसे बैकवर्ड कंट्री है। इसके अलावा अफगानिस्तान में कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है जिससे कि वो अदर कंट्री के साथ ट्रेड करे, इसलिए ये ट्रेड के लिए अपने पड़ोसी देश पर डिपेंड है। 2021 में तालाबीनों ने अफगानिस्तान की सत्ता को संभाला, जिसके बाद देशवासियों ने खुलकर उनका विरोध भी किया। लेकिन दुनिया को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तालाबीन किस मकसद से आर्टिफिशियल रिवर को तैयार कर रहा है। गाइस, इसका रीजन एक ही हो सकता है और वो है अफगानिस्तान का भौगोलिक संरचना। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो सबसे नीचे साइड रेगिस्तान है। इन्हीं भौगोलिक संरचना की वजह से अफगानिस्तान हार्श वेदर का शिकार है। इसकी जनसंख्या 4.1 करोड़ है और इतने लोगों का जीवन मात्र 4 नदियों पर डिपेंड है, हालमांद, कुबुल, हैरी रिवर और अमुदारिया। अमुदारिया नदी पर ही अफगानिस्तान कोस तेपा कैनल यानी कि आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, ताकि पानी की प्रॉब्लम खत्म हो और फसल की पैदावार बढ़े। इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की नज़र इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान कई दशकों से जंग का मैदान बना हुआ था, जिसके कारण इसका डेवलप नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अफगानिस्तान अपने न्यू जर्नी का स्टार्ट करने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान आतंक, गरीबी और बेरोजगारी से जल्द ही उभरेगा और दुनिया के बाकी देशों के साथ विकसित करेगा। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।